गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्टेड क्लास थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट टू। तो आज हम हमारे यूनिट नंबर टू में लास्ट क्वेश्चन है, आज हमें कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा यूनिट टू यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट थ्री। तो चलो, आपको आगे लिखने में कुछ रह गया हो तो आप आगे के वीडियो के PDF जाकर देख कर ए यूनिट वन और टू कंप्लीट कर लेना। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर एट में क्या था, तो कि नंबर द जम्पल्ड सेंटेंस ऑफ द स्टोरी इन द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे कुछ आपको एट जैसे सेंटेंस दिए हैं और यहाँ पे सब डिफरेंट अलग अलग जगह पर दिए हैं। तो हमें क्या करना है, सभी को 1 to 8 तक जॉइंट करके एक स्टोरी बनानी है। तो देखो, यहाँ पे फर्स्ट क्या है, आफ्टर सम डेज द आंट सो हंटर एमिंग एन आरो द डव। एक जो चींटी है उसने एक दिन देखा कि वो हंटर, मतलब जो होता है ना, जो सभी हंटर का मतलब जो शिकार करने आता है ना, वो जो सभी बर्ड्स के एनिमल्स के शिकार करता है, फिर उसको क्या करता है, उसको बेचता है, खाता है, इस तरह से वो सब करता है, वो शिकार उसको मार देता है, तो उसको कहते हैं हंटर। तो एक दिन वो चींटी ने देखा कि वो डव, मतलब जो कबूतर था, उसको क्या कर रहे थे, उसको तीर लगा रहे थे। वो हंटर तीर का, एरो का मतलब तीर, वो तीर दिखा रहा था हंटर को, मतलब वो डव था उसको मारने के लिए। तो वो चींटी देख रही थी। नेक्स्ट क्या, सो ही बीट द हंटर लेग। फिर वो चींटी ने हंटर पे लेग पर काट लिया। तो इस समय यहाँ पे कुछ डिफरेंट्स अलग अलग दिए हैं हमें सभी सेंटेंस। तो हमें क्या करना है, सभी सेंटेंस ज्वाइंट करके लिखना है। तो फर्स्ट आएगा, देखो 3 नंबर वाला है वो फर्स्ट नंबर में है, फिर 6 नंबर वाला है वो 2 नंबर पे आता है, फिर 4th नंबर वाला 3 नंबर पे आता है। इस तरह से एक स्टोरी हमने नंबर्स दे दिए हैं, तो आपको भी इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 ये नंबर्स यहाँ पे लिख लेना है। और नेक्स्ट में देखो, नीचे आपको यहाँ पे कुछ लाइंस दी है, उसमें जो हमने नंबर्स लिखे ना, 1 नंबर 1 ए फर्स्ट थर्ड में जो बॉक्स में 1 लिखा है, तो 1 सेंटेंस यहाँ पे इस तरह से हमें लिखना है। तो आपको भी पहले यहाँ पे इस बॉक्स में 1 to 8 तक के जो मैंने नंबर्स लिखे, इस तरह से आपको लिखना है। और यहाँ पे इस तरह से हमें सभी को लाइन में लिख ज्वाइंट करना है। तो फर्स्ट है, 1 day इन आंट्स फेल इन टू अ रिवर। तो देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया था। फिर सेकंड में क्या है, वो एक दिन वो चींटी थी, उसको पानी की बहुत ज़्यादा तरस लग गई, तो वो क्या पानी में गिर गई। वो पानी पीने जा रही थी पर वो एकदम पानी में फेल डाउन, मतलब वो चींटी गिर गई। वो पानी पीने जा रही थी पर उसका पैर फिसल गया, इसलिए वो पानी में गिर गई। नेक्स्ट आएगा उसमें, देखो 6 नंबर वाला, कि ही टुक पिटी ऑन द आंट एंड थ्रो डाउन अ लीफ। फिर वो डव था, उसने ऊपर से पेड़ पर से वो देख रहा था, तो उसने एक लीफ, मतलब जो पत्ता था, उसको पानी में डाला। तो चींटी क्या हुई, तो चींटी उस पानी के जो पत्ता डाला था ना, उसमें वो बैठ गई, फिर वो बाहर आ गई। इस तरह से वो डव ने उसकी हेल्प की थी। फिर 3rd नंबर पर आएगा वो 4th वाला, द आंट क्लाइम ऑन द लीफ एंड रिचार्ज द बैंक सेफली। फिर वो डव था, उसने जो लीफ पानी में फेंका था ना, उसमें वो क्लाइम, मतलब वो धीमे धीमे से चढ़ गई उस पत्ते पर, फिर वो धीमे धीमे एकदम उसकी अपनी जान को बचा कर रिचार्ज द बैंक सेफली। सेफली लेके बचा कर वो अपनी वो लीफ पर धीमे धीमे ऊपर से चढ़ गई, फिर वो बाहर आ गई। वो पत्ता एकदम तरता है ना पानी में, तो लीफ है वो एकदम तरता है, फ्लोटिंग होता है, तो वो एकदम उस पर बैठ कर एक साइड आकर वो पानी से बाहर निकल गए। इस तरह से उसने डव ने उनकी हेल्प की थी। फिर 4th नंबर में क्या है, ए फर्स्ट वाला, आफ्टर सम डेज द आंट सो हंटर एमिंग एन एरो एट द डव। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो चींटी थी, उसने देखा कि वो हंटर है, वो क्या कर रहा था, तो कि वो डव को एरो से उसको मार डालने वाला था। तो वो चींटी ने देख लिया। फिर चींटी ने क्या करा, फिर
चींटी ने देखा था। फिफ्थ नंबर में देखो, अ डव सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री सो द एंट्रोइंग। फिर वो चींटी ने वो हंटर को देखा, फिर उसने देखा कि वो हंटर है, वो डव को तीर बता रहा है, पर वो डव कहाँ पे बैठा था, तो कि वो ब्रांचेस में, जो पेड़ की ब्रांचेस होती है ना, पेड़ की डालियाँ, वहाँ पे वो डव बैठा था और वो चींटी ने देख लिया। फिर चींटी ने क्या कहा, क्या करा था चींटी ने, तो कि सिक्स नंबर पर देखो सेकंड वाला, सो ही बेट द हंटर्स लेग। फिर उसने वो हंटर्स था वो तीर लगाने जा रहा था, तो भी क्या कहा चींटी ने, चींटी ने उसे अपनी वो हंटर के पैर पर क्या कर ला, काट लिया, और उसने अपने मुंह से उसको यहाँ पे चिपक लिया, एकदम बहुत से काट लिया, और एकदम वो हंटर वो था वो चिल्लाने लगा और उसका एरो वाला था धनुष वो नीचे गिर गया। फिर सेवन्थ नंबर पे द आंट वॉन्टेड टू सो द डव्स लाइफ। फिर इस तरह से वो डव्स की लाइफ, मतलब डव की चीज लाइफ सेवन आंट ने बचाया। इस तरह से चींटी ने डव का जान बचाई। इस तरह से एट नंबर पे आएगा, द हंटर मिसेड हिज एम एंड द डव्स फ्ली अवे सेफली। फिर वो हंटर था वो एकदम नीचे गिर गया और बैठ गया, फिर वो डव था वो उठ गया एकदम धीमे से कि वो उसे देखे नहीं, इस तरह से उठ गया। तो इस तरह से चींटी की मदद डव ने की और डव की मदद चींटी ने की। तो देखो इस तरह से मैं जो सेंटेंस बोली वो यहाँ पे सब मैंने लिख दिए। देखो एक बार मैं आपको बता देती हूँ, वन डे एन आंट फेल इन टू अ रिवर, ही टुक पिटी ऑन द एंड थ्रो डाउन अ लीफ, द आंट क्लाइम्ब ऑन द लीफ एंड द रिचार्ज द बैग सेफली। आफ्टर सम डेज द आंट सो अ हंटर एमिंग एरो एट द डव ऑफ द डव। फिफ्थ, अ डव सिटिंग ऑन अ ब्रांचेस ऑफ अ ट्री सो द आंट ड्रॉइंग। सिक्स, सो ही बीट द हंटर्स लेग, द आंट वॉन्टेड टू सो द डव्स लाइफ, द हंटर मिस्ड हिज एम एंड द डव फ्लू अवे। फिर वो डव भी उठ गया। इस तरह से देखो आपको ये स्टोरी के सेंटेंस यहाँ पे एट तक कंप्लीट कर लेने हैं अपनी वर्कबुक पर। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे यूनिट नंबर 82 कंप्लीट हो गया। तो आपको भी ये कंप्लीट कर लेना है। ओके, थैंक यू।